नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 जून, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब राज्य में मिड डे मील में नहीं होगी लापरवाही। नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण 13 जून को। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि जारी। मिथिला की धरती पर पहुंचे रामायण के राम और सीता। WTC फाइनल को लेकर रिकी पोंटिंग ने की भविष्यवाणी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IB में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के पदों पर भर्ती। इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 जून से शुरू होगी, जो 23 जून 2023 तक जारी रहेगी। उम्मीदवार तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती कुल 797 रिक्त पदों को भरने के लिए निकाली गई है। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ने संबंधित विषयों के साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बैचलर डिग्री इन साइंस, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर आदि किया हो। शैक्षणिक योग्यता की विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देख ले। बिहारी बर्थडे में आज हम बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। सोनाक्षी सिन्हा का जन्म आज ही के दिन 1987 में हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेत्री हैं। ये अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम सिन्हा के पुत्री हैं। हिंदी सिनेमा में कदम रखने से पहले इन्होंने एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया। 2008 में उन्होंने लैक्मी फैशन वीक कार्यक्रमों के लिए मॉडलिंग शुरू की। 2010 में उन्होंने सलमान खान के साथ हिंदी फिल्म दबंग से अभिनय की शुरुआत की। सोनाक्षी सिन्हा फिल्म दबंग के लिए फिल्मफेयर अवार्ड, अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड्स, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स और GCNE अवार्ड्स के साथ बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड की प्राप्त करता है। फिल्म सन ऑफ सरदार के लिए उन्हें बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स द्वारा महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। GCNE अवार्ड्स ने फिल्म लुटेरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया। अब राज्य में मिड डे मील में नहीं होगी लापरवाही। इन दिनों बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील को लेकर आए दिन शिकायतें सुनने को मिलती रहती है। जब कभी खाने में छिपकली तो कभी सांप के निकलने की खबर सुनने को मिलती रहती है। ऐसे में अब इन मामलों पर नकेल कसा जा सके, इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं PM पोषण योजना के जिला पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि इस तरह के मामलों में अपनी ओर से पूरी तरह गंभीरता बरते। इसके साथ ही एक टीम को गठित करें जो मध्यान्ह भोजन की जांच करेंगे। वहीं अगर मिड डे मील से जुड़ा कोई भी मामला सामने आता है तो जांच के बाद दोषियों को चिन्हित कर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही करें। इसके साथ उन्होंने रसोई घर को भी साफ रखने का निर्देश दिया है। बिहार के सरकारी डॉक्टरों की बनेगी वरीयता सूची। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के डॉक्टरों की पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से उन डॉक्टरों का अंक पत्र मांगा गया है जिनकी हाल में बहाली हुई होगी, ताकि वरीयता क्रम का निर्धारण हो सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली बार चिकित्सकों की वरीयता सूची का निर्धारण वर्ष 2019 में किया गया था। इस दौरान कई डॉक्टरों की बहाली हुई तो कई सेवानिवृत्त भी हुए, तो वहीं कई सैकड़ों चिकित्सकों को सेवा से बर्खास्त भी किया गया। ऐसे में संघ के द्वारा बार बार मांग किया जा रहा था कि डॉक्टरों की वरीयता सूची का निर्धारण नए सिरे से किया जाए। बता दें कि सूची के बन जाने से डॉक्टरों का प्रमोशन व अन्य वेतन आदि लाभ देने में सुविधा होगी। बिहार इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा स्क्रूटनी के लिए इस दिन तक करें आवेदन। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जिन्होंने बिहार इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा 2023 में भाग लिया था तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा 2023 के स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में वैसे छात्र जो अपने इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, वे 8 जून तक स्क्रूटनी के लिए आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा 2023 का रिजल्ट बीते 31 मई को जारी किया गया था, जिसमें कुल 56,435 विद्यार्थी में से 34,792 परीक्षार्थी सफल घोषित हुए थे। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस इसी महीने होगी शुरू। पिछले काफी दिनों से बिहार वासियों को पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतजार है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही उनका इंतजार खत्म होने वाला है। दरअसल चल रही खबरों के अनुसार ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 10 से 20 जून के बीच किसी भी दिन बिहार वासियों को पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का सौगात मिल जाएगा। मालूम हो कि ट्रेन पटना से खुलकर जहानाबाद व गया रेलवे स्टेशन होते हुए हटिया पहुंचेगी। बता दें कि अगर पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन की शुरुआत होती है तो
सबसे ज्यादा लाभ बिहार के उन लोगों को मिलेगा जो जहानाबाद व गया से आते हैं। मिली जानकारी के अनुसार पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस को 18 बोगी की होगी और वह 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार इस ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा और 5 स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण 13 जून को। बिहार में पंचायत उपचुनाव 2023 के 605 सीटों के लिए 25 मई को हुए मतदान में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह 13 जून को होगा। ऐसे में नियमानुसार इसके 7 दिन पूर्व 5 जून तक सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लिखित सूचना दी जाएगी। बता दें कि इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को निर्देश जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा के द्वारा जारी निर्देश में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा लिए गए शपथ पत्र का आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा गया है और इसके साथ ही आयोग के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के तहत सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की सूची का प्रकाशन जिला गजट में करवा दिया जाए और उसे 2 जून यानी कि आज तक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। प्रदेश के 17 जिलों में अब तालाब डैम के पानी की होगी पेयजल के रूप में सप्लाई। राज्य में भूजल के अंधाधुंध उपयोग को देखते हुए केंद्रीय भूजल बोर्ड के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा और भूजल संरक्षित नहीं किया गया तो वर्ष 2050 तक बिहार में प्रति व्यक्ति भूजल की उपलब्धता आधी रह जाएगी। बता दें कि वर्ष 2023 के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार बिहार की 0.26% आबादी पेयजल के रूप में शोधित जल का इस्तेमाल करती है और बाकी बचे शेष आबादी भूजल पर निर्भर है। इसी को चेतावनी तौर पर देखते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा राज्य में पेयजल के रूप में सतही जल का इस्तेमाल को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ऐसे में राज्य के 17 जिलों में 22 तालाब और डैम का शोधित पानी पेयजल के रूप में लोगों तक सप्लाई किया जाएगा। बता दें कि इससे प्रदेश के 17% आबादी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। अब दीदी की रसोई से मंगाए ऑनलाइन खाना। जीविका दीदियों को और सशक्त बनाया जा सके इसके लिए एक नया कदम उठाते हुए जीविका दीदियों के द्वारा चलाई जा रही दीदी की रसोई को अब स्विगी और जोमेटो ऑनलाइन फूड ऑर्डर ऐप पर पंजीकृत यानी कि टाइप कर दिया गया है। यानी कि अब किसी के द्वारा भी दीदी की रसोई से खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगवाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीविका दीदियों की ओर से जिस दीदी की रसोई का संचालन भवन निर्माण में किया जा रहा है उसे ही सबसे पहले स्विगी और जोमेटो ऑनलाइन फूड ऑर्डर ऐप से जुड़ा गया है। वहीं अब बहुत जल्दी जगहों पर संचालित होने वाली दीदी की रसोई को भी टाइप किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। मालूम हो कि दीदी की रसोई को स्विगी और जोमेटो ऑनलाइन फूड ऑर्डर ऐप से जोड़ने से दीदियों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय के बारे में। महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा जिले का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह संग्रहालय दरभंगा में डिग्गी तालाब के पास में स्थित है। यह संग्रहालय चंद्रधारी संग्रहालय के पास ही में स्थित है। आप यहां पर भी घूमने के लिए आ सकते हैं। इस संग्रहालय में आपको प्राचीन वस्तुओं का संग्रह देखने के लिए मिलता है। संग्रहालय में दरभंगा राज परिवार के द्वारा संग्रहित एवं उपयोग की जाने वाली वस्तुएं संभाल कर रखी गई है। यहां पर आपको दरभंगा महाराज का सिंहासन देखने के लिए मिलेगा जो सोना चांदी और लकड़ी से बना हुआ है। इस सिंहासन में कीमती पत्थर लगाए गए हैं। यह सिंहासन संग्रहालय का मुख्य आकर्षण है। यहाँ पर लकड़ी का बहुत सारा सामान, कीमती पत्थर, युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार, हाथी दांत से बने सामग्री देखने के लिए मिल जाते हैं। संग्रहालय में आपको दरभंगा जिले के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। सूबे के 1033 विद्यालयों का होगा अपना भवन। राज्य सरकार के द्वारा सूबे के 1033 विद्यालयों का अपना भवन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से योजना पर काम करना शुरू कर दिया गया है। बता दें कि विद्यालयों के भवन में सभी प्रकार की आधारभूत संरचनाएं मौजूद होंगी। इसके लिए 684 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि योजना का क्रियान्वयन संबंधित विद्यालयों की शिक्षा समिति के द्वारा किया जाएगा। वहीं योजना की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन का कार्य विद्यालय स्तर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी और राज्य सरकार पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक व प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा किया जाएगा। बता दें कि इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा कहा गया है कि हमारे द्वारा विद्यालयों के भवन निर्माण सहित उसके आधारभूत संरचना के विकास की योजना पर काम किया जा रहा है। वहाँ आवश्यक उपकरण की उपलब्धता भी सुनिश्चित करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में सारे विद्यालय संसाधन युक्त हों।
मिथिला की धरती पर पहुंचे रामायण के राम और सीता। बीते दिन गुरुवार को रामायण सीरियल में राम और सीता का किरदार निभाने वाले कलाकार अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के लगमा गांव में भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता सीए सुरेश पुत्र उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्हें मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाग चादर और बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर अरुण गोविल के द्वारा कहा गया कि उन्हें जो मिथिला की पावन धरती पर आने का अवसर मिला है उससे वह खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं दीपिका चिखलिया ने कहा कि सीरियल में जिस किरदार को मैंने निभाया था उस मां सीता के जन्मस्थली पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि वह दरभंगा आकर बहुत खुश है, वह पहली बार आई है पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने मायके आकर बहुत खुश हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि जारी। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी कर दी गई है। बता दें कि इस वर्ष राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुल 10,865 सीटों पर छात्रों का एडमिशन लिया जाएगा। वहीं राज्य में गया व वैशाली में 2 प्राइवेट कॉलेज में 540 सीटों और LNMU के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा की 30 सीटों पर एडमिशन होगा, यानी कि कुल 11,435 सीटों पर एडमिशन लिया जाएगा। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार 5 जून से लेकर 30 जून तक नामांकन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1 जुलाई तक शुल्क जमा किया जा सकता है और 2 जुलाई तक आवेदन फॉर्म में सुधार किया जा सकता है। इसके बाद 4 जुलाई को मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा और फिर काउंसलिंग की तिथि जारी की जाएगी। सड़क दुर्घटना में मुआवजे के लिए ट्रिब्यूनल की नियमावली तैयार। परिवहन विभाग के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्ति या घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजे की राशि तय करने के लिए जिलों में गठित होने वाले ट्रिब्यूनल की नियमावली तैयार कर ली गई है। यह बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2023 कही जाएगी। बता दें कि अब जल्द ही राज्य के सभी जिलों में ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी वाहन दुर्घटना में मुआवजा को लेकर ट्रिब्यूनल में ही आवेदन दिए जाएंगे। ट्रिब्यूनल के आदेश के आलोक में संबंधित बीमा कंपनी मुआवजे की राशि का भुगतान करेगी। इसके कार्य क्षेत्र उस जिले का भौगोलिक क्षेत्र होगा, यानी कि जिस जिले में दुर्घटना होगी वहाँ के संबंधित ट्रिब्यूनल में इसकी सुनवाई होगी और आदेश पारित किए जाएंगे। NIT पटना की छात्रा को गूगल ने दिया नौकरी का ऑफर। कानपुर निवासी और NIT पटना में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की छात्रा पायल खत्री को गूगल की ओर से 32 लाख रुपए सालाना पैकेज का ऑफर दिया गया है। वहीं इस ऑफर को लेकर पायल खत्री का कहना है कि गूगल में नौकरी करना उनका ड्रीम है, इसलिए वे गूगल के साथ काम करना पसंद करेंगी। उन्होंने बताया कि उन्हें गूगल की ओर से ये ऑफर गूगल की अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। वहीं पायल खत्री की इस उपलब्धि पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी पटना NIT के छात्रों को कई बड़ी कंपनियों से ऑफर्स मिल चुके हैं। वहीं इस पर NIT पटना के प्लेसमेंट ऑफिसर प्रोफेसर सैलेस एम पांडे के द्वारा कहा गया है कि इस साल फेसबुक, पेटीएम, अमेजॉन, एडोब, लिंक्डइन समेत कई कंपनियों के द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव में हिस्सा लिया है। ऐसे में जिन भी छात्रों का चयन हुआ है उन्हें हम शुभकामनाएं देते हैं। बिहार में फिर बदला मौसम का मिजाज। जून महीने की शुरुआत हो चुकी है और पटना मौसम विभाग ने प्रदेश में भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिहार में आज से लू और उष्ण लहर का भी शुरुआत होने वाला है। अगले 5 दिनों तक राज्य में लगभग सभी जिलों में भीषण गर्मी के साथ उष्ण लहर और लू चलने का पूर्वानुमान है। पटना समेत प्रदेश का मौसम बीते 48 घंटों से बदलता नजर आ रहा है। पटना समेत 23 शहरों के अधिकतम तापमान बढ़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास बने होने के साथ एक ट्रफ रेखा पूर्वी बिहार तक फैली हुई है। इनके प्रभाव से 4 जून तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार के तापमान में 5 दिनों तक कमी का पूर्वानुमान नहीं है, 1-2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार से नेपाल जाना पीएम मोदी ने किया आसान। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार नेपाल रूट पर 8 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की शुरुआत कर दी गई है। इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भी मौजूद रहे। दोनों ने संयुक्त रूप से हरे झंडे दिखाकर भथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक ट्रेन को रवाना किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रेलखंड का निर्माण भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत किया गया है। बता दें कि इस रेलखंड का निर्माण कुल 800 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के मधुबनी के जयनगर से नेपाल के बर्दीवास तक किया गया है। मालूम हो कि वर्ष 2001 में नेपाल से आई बाढ़ के कारण बिजलपुरा के बीच रेल पुल ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद सरकार की ओर से भारत और नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत साल 2010 में इस बड़ी लाइन के रूप में बदलने की योजना बनाई गई थी।
वासहीनों को मिलेगी उनकी पसंद की जमीन। राज्य के वासहीन लोगों को बिहार सरकार की ओर से उनकी पसंद व सहमति से जमीन दी जाएगी। बता दें कि इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है। मालूम हो कि जिलाधिकारियों को लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि वासहीनों को जमीन खरीद कर देने से पहले उनकी सहमति आवश्यक है, उसके बाद ही अंचल अधिकारी व भूमि सुधार उपसंहर्ता स्वयं स्थल का निरीक्षण करेंगे और संतुष्ट होंगे कि वह जमीन वास करने लायक है या नहीं, या भूमि से जुड़ा कोई विवाद तो नहीं है। बता दें कि विभाग का कहना है कि सरकार ऐसा मानती है कि अगर वासहीन लोगों को उनके मन मुताबिक जमीन उपलब्ध करवाई जाती है तो वे अपने मनोनुकूल ढंग से बस सकते हैं और इस योजना पर वह कभी सवाल खड़ा नहीं कर पाएंगे। पीएम मोदी के बिहार आगमन पर बोले तेजस्वी। एक तरफ जहां 12 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसी भी खबर है कि विपक्षी दलों की बैठक के बाद पीएम मोदी बिहार आ सकते हैं। वहीं जब इस बात से जुड़ा सवाल बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछा गया तो सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किसी को भी बिहार आने से मना नहीं है, आने दीजिए ना भाई, इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है, किसी को आने से मना है, लोकतंत्र है, कोई भी कहीं से भी आए या जाए, इसमें क्या समस्या है। उन्होंने कहा कि जब से महागठबंधन सरकार बनी है और बीजेपी बाहर हुई है, तब से वे लोग आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर डरे हुए हैं और ये डर उनके अंदर से निकल ही नहीं रहा, लेकिन यह तय है कि जनता उनको इस बार सत्ता से बाहर जरूर कर देगी। सुशील मोदी ने शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश से की मांग। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के द्वारा एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी को लेकर अपना बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह बेअसर है, इसलिए अब राज्य सरकार को शराबबंदी के तहत दर्ज 4 लाख से अधिक मुकदमों को वापस ले लेना चाहिए और आम माफी का ऐलान कर देना चाहिए। अगर सरकार ऐसा करती है तो दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लाखों लोगों को काफी राहत मिलेगी और साथ ही अदालतों पर भी मुकदमों का बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को उन लोगों को रिहा कर देना चाहिए जो शराबखोरी के चलते पहली बार जेल गए हों, और जिस तरह से सरकार शराबबंदी से जुड़े नियमों में, जैसे वाहनों को जब्त करने के नियम में नरमी दिखा रही है, उससे भी यह साफ हो रहा है कि राज्य सरकार पूर्ण शराबबंदी लागू करने में विफल है। WTC फाइनल को लेकर रिकी पोंटिंग ने की भविष्यवाणी। 7 से 11 जून तक चलने वाले WTC फाइनल को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान रिकी पोंटिंग के द्वारा भविष्यवाणी करते हुए भारत के 2 खिलाड़ी को चौकन्ना रहने की सलाह दी गई है। बता दें कि उन्होंने जिस 2 खिलाड़ी की ऐसी सलाह दी है वे विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम विराट कोहली के बारे में बात कर रही है, वो पुजारा के बारे में भी बात कर रहे हैं। पुजारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले भी खतरनाक साबित हुए हैं और इंग्लैंड की पिच का बर्ताव ऑस्ट्रेलियाई पिच जैसा होगा। कंगारू गेंदबाज जानते हैं कि पुजारा को जल्दी आउट करना होगा। ऑस्ट्रेलिया जानता है कि विराट कोहली पिछले कुछ सप्ताहों में संभवतः अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौट चुके हैं। वैसे उन्होंने T20 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मुझे कहा कि वो अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौट चुके हैं और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के लिए यह कड़ी चेतावनी की तरह है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत, रूस और चीन का व्लादिवोस्तोक सम्मेलन 2005 में समाप्त हुआ। भारत सरकार ने 2011 को शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों से मुक्ति दिलाने और गरीबों को अपने घर का सपना पूरा कराने में सहायता के लिए राजीव गांधी आवास योजना के पहले चरण को मंजूरी दी। सन 2014 में आज ही के दिन तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौड़ का जन्म 1930 में हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ अनंत गीते का जन्म 1951 में हुआ। तीरंदाज महिला खिलाड़ी डोला बनर्जी का जन्म 1980 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशकों में से एक मणि रत्नम का जन्म 1955 में हुआ। पद्म भूषण से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्राण कृष्ण पालजा का निधन 1978 में हुआ। भारतीय निर्माता निर्देशक अभिनेता राज कपूर का निधन 1988 में हुआ। वायरल में आज हम बात करेंगे श्रमिक सम्मान योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे श्रमिक सम्मान योजना के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नीति ज्ञान फॉर यू नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो के अनुसार केंद्र सरकार श्रमिक सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमा 5100 रुपए दे रही है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है, भारत सरकार द्वारा श्रमिक सम्मान नामक कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। इंस्टाग्राम पर जल्द मिलेंगे 2 नए फीचर। मेटा इंस्टाग्राम बहुत जल्द ही यूजर्स को 2 नए फीचर्स देने वाली है। पहला फीचर ऐप पर यह होगा कि यूजर्स ये तय कर पाएंगे कि उन्हें प्लेटफॉर्म पर कैसा कंटेंट देखना है। इसके लिए उन्हें इंटरेस्टेड नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। जब भी यूजर्स को कोई रिकमेंड की हुई पोस्ट दिखेगी तो यूजर्स इस ऑप्शन की मदद से ये तय कर पाएंगे कि उन्हें इस तरह का कंटेंट भविष्य में देखना है या नहीं। कंपनी पहले से ही यूजर्स को नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन देती है। दूसरा फीचर यह है कि जल्द कंटेंट क्रिएटर्स को एक नया टूल मिलेगा जिसकी मदद से वे ये समझ पाएंगे कि उनकी रील या पोस्ट ज्यादा लोगों तक क्यों
नहीं पहुंच पा रही है, यानी अकाउंट पर अच्छी रीच क्यों नहीं हो रही। इस फीचर के बारे में जानकारी इंस्टाग्राम हेडर एडम मोसरी ने ब्लॉग पोस्ट में शेयर की है। दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार निचले पायदान पर। एक तरफ जहां आज के दौर में भी एक ही घर में परिवार के सभी सदस्य के पास अपना फोन देखने को मिल जाता है, तो वहीं दूसरी ओर आज भी देश में कई ऐसे राज्य हैं जो दूरसंचार घनत्व के मामले में पीछे हैं। बता दें कि इन राज्यों में एक राज्य बिहार भी है। राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार यह बात निकलकर सामने आई है कि दूरसंचार के घनत्व में देश का 8 राज्य औसत से बहुत नीचे है, जिसमें बिहार दूरसंचार घनत्व के मामले में सबसे निचले पायदान पर है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बिहार का दूरसंचार घनत्व 55.23% है। वहीं फरवरी में जारी किए गए इस रिपोर्ट में यह बात निकलकर सामने आई थी कि उस दौरान बिहार का दूरसंचार घनत्व 54.86% था। मालूम हो कि अगर आंकड़ों की माने तो बिहार आज भी एक ऐसा राज्य है जहां 45% आबादी के पास फोन की कनेक्टिविटी नहीं है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है तबरेज आलम, विजय कुमार मंडल, संतोष कुमार, रोशन कुमार अहमद, अंकित कुमार घनश्याम, गोपाल कुमार, अजीत कुमार कुशवाहा, तुलसी ऋषिदेव, राजेश कुमार सर, नवीन सिंह, अभिमन्यु कुमार, रघुनंदन कुमार, अखिलेश यादव। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार तेजश्री यादव कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करने से क्यों बचते हैं? आपका जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।